हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीटी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि डेट आप यहां पे देख सकते हैं 25/4/2023, जो कि आज की डेट है। और इसी डेट में यानी 25 अप्रैल को एसबीटी ने अपना 3 लेटर जारी किया था, जिसमें 2 लेटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं और ये इसी डेट में जारी हुआ 3रा लेटर है। तो काफी इम्पोर्टेंट ये लेटर होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको एसबीटी बिहार के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लेटर संख्या और डेट आपने देख लिया, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस पूरे लेटर में। सेवा में प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, यहाँ पे सारे पॉलिटेक्निक का नाम नहीं दिया गया है। यानी कि जैसे इससे पहले लेटर आती थी तो सेवा में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। यानी ये जो लेटर है ये बिहार के कुछ ही कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को लिखी गई है। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में भी आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो सेवा में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, यहाँ पे लखीसराय कॉलेज का कोड दिया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद 153, ये कॉलेज का कोड है। PSTC वैशाली यानी पटना साहिब कॉलेज की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसका कोड है 183। सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यानी SIT गौरीचक पटना, जिसका कॉलेज कोड है 197। एवं न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, जिसका की कोड है 121। यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 5 कॉलेजों की बात की गई है। अब इन 5 कॉलेजों को ही लेटर क्यों लिखा गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 अप्रैल को जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। अब ऐसा नहीं कि 6 अप्रैल को बिहार के सारे सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसिल किसका हुआ था? सिर्फ पटना सेवन, ठीक है, पटना सेवन के द्वारा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी निकाली गई थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना सेवन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रक राज्य प्रवेदिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के पात्रांक 863 13/4/2023 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18/4/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन के आधार पर राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना सेवन में आयोजित राज्य प्रवेदिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के दिनांक 6/4/2023 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की जाती है। जैसा कि आप सभी को इस नोटिस के बारे में तो पता चल ही गया होगा, मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा पे आप सभी को ये अपडेट कर दिया था। तो बस वही एग्जाम कैंसिलेशन के रिगार्डिंग ये अपडेट आई है, जिसका कि फिर से एग्जाम कराया जाना है। तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलेजों के प्रिंसिपल को ये नोटिस लिखी गई है, क्योंकि इन्हीं 5 कॉलेज के छात्रों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब किन किन छात्रों को हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट का हुआ है, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। विषय माह अप्रैल 2023 में आयोजित हुई, यहाँ पे सारे सेमेस्टरों का नाम दिया गया है, जिसका कि एग्जाम अभी जस्ट 5 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। कि रद्द परीक्षा के पुनः परीक्षा के संबंध में, यानी कि जो एग्जाम कैंसिल हो गया है उसका फिर से एग्जाम कराने के संबंध में ये नोटिस रिलीज की गई है। प्रसंग प्रसद का पात्रांक 863 जिसमें कैंसिलेशन की बात की गई थी, ठीक है, जो कि 13/4/2023 को रिलीज किया गया था। पात्रांक 880 जो कि 14/4/2023 को निकाला गया था। यानी इस दो नोटिस के रिगार्डिंग ये अपडेट निकाली गई है। माह से उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में रद्द की गई परीक्षाओं की पुनः परीक्षा दिनांक 4/5/2023 सेकेंड शिफ्ट में राजकीय पॉलिटेक्निक बार्ड में आयोजित कराई जानी है। यानी कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ है 6 अप्रैल का, अब उसका एग्जाम कब होना है? 4 मई, 4 मई को सेकेंड शिफ्ट में उन सारे छात्रों का एग्जाम होना है। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे होगा? राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़। अब यहाँ पे सारे छात्रों का लिस्ट भी दिया गया है कॉलेज वाइज, जो कि हम लोग आगे जानने वाले हैं। पत्र में संलग्न सूची अनुसार संस्थान अपने स्तर से सभी छात्र छात्राओं को सूचित करने की कृपा की जाए। यानी कि ऊपर जो 5 कॉलेज दिया गया है, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला जा रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को ये चीजें बता दीजिए। इस परीक्षा में पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। यानी आपका जो पहले से एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है वही एडमिट कार्ड पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं, फिर से एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लिस्ट भी है जिसमें कॉलेज वाइज सारे छात्रों का नाम दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं जेपी बार्ड,
जो कि आपको पता है 4 मई सेकेंड शिफ्ट को एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आप कॉलेज का नाम देख सकते हैं, सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कॉलेज का कोड दिया गया है और यहाँ पे किन किन छात्रों का एग्जाम होना है या छात्रों का रोल नंबर है, जो कि सारे छात्र 5th सेम के हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो ये तो हो गया सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी और भी कॉलेज का, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 कॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 46 स्टूडेंट है जिनका एक एग्जाम फिर से होना है। किस कॉलेज से? सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 46 स्टूडेंट ही है, ये सिर्फ एक कॉलेज की बात हो गई। अब अगला कॉलेज हम लोग देख लेते हैं। अगला कॉलेज है पटना साहिब कॉलेज, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें से मात्र एक ही स्टूडेंट का एग्जाम होना है। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं कॉलेज का, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे छात्र का रोल नंबर है, जो कि 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं और इनका ये लास्ट चांस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं। अगला कॉलेज हमारा क्या है? जीपी लखीसराय। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज का कोड देख सकते हैं, और ये है सारे छात्रों का नाम जिनका एग्जाम फिर से होना है। सारे छात्र 5th सेम के हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल इसमें 51 स्टूडेंट का एग्जाम फिर से होना है, यानी कि लखीसराय कॉलेज के टोटल 51 छात्रों का एग्जाम फिर से होना है, जिसमें से सारे छात्र 5th सेम के हैं, एक छात्र को छोड़कर, एक स्टूडेंट 3rd के हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं। अगला कॉलेज हमारा है एनजीपी पटना 13, जहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज का कोड है, और यहाँ पे है जिन छात्रों का एग्जाम फिर से होना है। ये सारे छात्र 1st सेमेस्टर के हैं, और इससे पहले जो नोटिस जारी हुई थी कॉलेज की तरफ से, उसमें एनजीपी पटना 13 की कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें पटना 13 की भी बात की गई है, जिसमें 1st सेम के छात्र मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 44 स्टूडेंट है, यानी कि एनजीपी पटना 13 की टोटल 44 स्टूडेंट है जिनका की एग्जाम फिर से होना है। ठीक है, अगला कॉलेज हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपी जहानाबाद। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कोड हो गया, ये कॉलेज का कोड है, बाकी ये छात्र हैं जिनका एग्जाम फिर से होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5th सेमेस्टर के छात्र हैं। अगर टोटल स्टूडेंट की बात कर लें तो जीपी जहानाबाद में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है जिनका की एग्जाम फिर से होगा। अभी तक आप देख सकते हैं 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की एग्जाम फिर से होना है, जिसमें से 93 5th सेम के स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है 3rd सेम का जिनका की एग्जाम फिर से होना है। तो ये टोटल वैसे स्टूडेंट थे जिनका की एग्जाम फिर से होना है। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया, तो इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बाकी आपके कॉलेज की तरफ से आपको इन्फॉर्म कर ही दिया गया होगा। तो इतनी सी जानकारी थी। तो इस नोटिस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।